बहुत भयंकर भयंकर पोलपट्टी सब खुला है, किसके अंदर एटीट्यूड है, किसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, सब कुछ पोलपट्टी खुला है। पहली बार मिले हम लोग और मिले तो इनके साथ सोने का सौभाग्य प्राप्त। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने बैठे हैं और अभी खाना आने वाला है। यहाँ पे कार्तिक ABCD पढ़ रहा है, टाइगर लग रहा है पीछे से। तो कार्तिक एक इसी कलर का ड्रेस भी होता तो पूरा लगता। और शिवांश की गाड़ी के साथ खेल रहा है, अपना गाड़ी भी लेके आया, शिवांश का भी लेके आया। शिवांश सो रहा है ना इसलिए उसने देखा नहीं, देखता तो फिर लड़ता बहुत। दोनों में बहुत लड़ाई हो रहा था पता है। दोनों भाई सो गए हैं और वहाँ पे सच्ची दोनों सो गए। देखो वहाँ पे एक सो रहे क्रियांश, तो सोया नहीं था ना गाड़ी में इसलिए अभी सो गया वो। नहीं सोया था गाड़ी में इसलिए। चार आदमी कौन है? तू हम भी है। हाँ A few moments later. हम लोगों का खाना पीना हो गया और पूजा ने ऐसा बात बोला कि मेरी कॉल नहीं कर सकती। पूजा से नहीं तुमने बोला था ऐसा, तो अभी हमारा खाना पीना सब कुछ हम हो गई है तुम्हारे साथ रह रहे के। तो ये देखिए इसका हम सबको सुला रही हो तो सबको ब्लैंकेट ब्लैंकेट सब कुछ देना, जिम्मेदारी निभा रही। और रुद्र भाई जैसे नहीं काम करते, ये सब चीजें घर वाला काम नहीं करते। करते हैं क्या घर वाला कोई काम करते हो? नहीं लेकिन फिर भी है, जब जिम्मेदारी आती है तो अभी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। मैं ये कह रही थी वैसे वैसे डायपर भी लाके देती हूं। हां क्रियाज का क्रियाज का हां तो इतना कंफ्यूजन में सुन मैं खुद उसकी बेटे का नाम बोल रही थी। क्रियाज समझ के बोल रही हूं कितनी बार ये बोल रही। तो अभी बहुत अच्छे से वो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल भी काम नहीं करते घर का। एक गिलास पानी भी पीना होगा तो वो हम देंगे तो पियेंगे, ना तो नहीं पियेंगे। लेकिन क्रियांश की बॉडी में कितना काम कर रहे थे वो सारा की जिम्मेदारी। अरे वो एक तरह से होता है ना, आदमी कर सकता है लेकिन छोड़ो यार, करने वाला है बीवी तो है ही, बीवी करेगी ना। लेकिन अभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगे, इसको जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएगी करती जाएंगी। और शिवाज और क्रियांश हो गया बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। क्या करें, कह रहे हैं कि एक दिन और रह जाओ। हमेशा ये हो रहा है ना कि पूजा प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करती। रहो एक दो दिन रहोगी तब ना प्यार सबको। धूप बस धूप का आशीर्वाद रहे हमारे। जिस दिन हम लोग उस दिन भी आए थे तो बारिश हो रहा था। नहीं एक बार जो और आए थे हम लोग घूमने जाने का प्लान कर के बारिश हो रहा था, तो बारिश का रील बनाया वहां पे वायरल हुआ था वो वाला। शिवांश सोया हुआ है, क्रियांश बहुत गंदबाजी करता है यार, उठ गया वो गया। हम उठ जाते तो भी उठ जाता है और वो आ गया दादू के साथ। आ जाओ दादू पाछे यूं के आ गया गाय के पाछे। आ जाइए, ये लाइट दिख गया ना, ये शिवाज है ना बैठ तो? वाओ टिटली
इतनी प्यारी है रही है जो जो बोले इतनी गाना सुना दे तो गाना सुना दे तो हाँ गाना सुना दे तितली तितली गाना सुना दो तितली तितली गाना सुना दो सुना दो कितना प्यारा स्माइल करते हैं मासी का काम लगा दिया जैसे पूजा देखी वैसे भाग गया वो नो बेटा दीदी है ना छोटी सी प्यारी सी दीदी है ना वो One hour later. भाई जो बोल रहे थे भाई का जो प्यार है ना उसी के बारे में कुछ बात है समझे क्या बात है ना कि रात में सभी आए एक बजे ठीक है इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए तो सभी एक बजे आए तो मैं सो गई थी उतना जगह नहीं था तो हम लोग सो चुके थे हम लोग सोच गए थे कि हम दोनों साथ में सो गए बच्चों को लेकर तो फिर पूजा यहाँ सोई थी तो उन्होंने पूजा ने बोला कि जी आए यहाँ सो जाओ मैंने बोला कोई बात नहीं रुद्र भाई आएंगे यहाँ सो जाना बाबू आए मैं सो जाऊंगी वहाँ जा करके फिर क्या हुआ ना कि रुद्र भाई कह रहे नहीं हम लोग साथ में सोएंगे बोले काहे से करो जाके सो जाओ वहाँ पे जगह खाली है तो फिर क्या हुआ ना कि मिस्ट्री भाई बचे बोले मिस्ट्री उस रूम में सोइए आप जाके वहाँ सो जाइए दोनों बेड पर सो जाएंगे तो मैंने जैसे बोला कि मिस्ट्री वहाँ सोइए आप जाके सो रही हाँ ठीक है पता कहने का मतलब हाँ बिल्कुल देखिए बात तो सही है खुशी आई थी ना वही खुशी की बात हो रही है तभी तो यही रिजल्ट है मिस्टी भाई यही रिजल्ट है ये प्यार नहीं है छोटा सा अरे बाप रे बाप डांस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी अच्छा दिक्कत हो रही थी सट जा रहा था ऊपर गिर जाएंगे हम नहीं उठाएंगे गिर हो जाएंगे नहीं हुआ वो तो जीता लेकिन गिरते गिरते बच अरे बाप रे बाप देखिए बात कह रहा था ना प्यार था पहले माउंट एवरेस्ट पर और फिर उसके बाद हो जाता है दिल्ली तक प्यार वही कह रही है ऊंचाई दिल्ली की ऊंचाई भी टाइम बढ़ता है कहाँ ज्यादा ऊंचाई है दिल्ली का माउंट एवरेस्ट है दिल्ली अब एक बात बताओ तो जी बाहर है ठंड और सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं कंबल में बाहर है ठंड और अंदर में माहौल है गर्म बिल्कुल जी और बहुत भयंकर भयंकर पोल पट्टी सब खुला है और किसके अंदर एटीट्यूड है किसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है सब कुछ पोल पट्टी खुला है ना तो आपको मालूम चलेगा वीडियो को आप देखते रहिए तो यहाँ पर जी खूब हुआ हंसी मजाक और अच्छा खासा नोक झोंक सब हुआ तो मजा आया सभी लोगों को अभी हम लोग जाने वाले थे थोड़ी देर में लेकिन रुद्र भाई ने रोक लिया हमें जो कि मुझे बहुत खराब लगा है रुक गए थे सुनते कहा हो रुकते हैं रुके हैं बार रुके हैं नहीं एक बार रुके थे फंक्शन में पहुंचे हैं जिस दिन फंक्शन होता है कोई फंक्शन में नहीं पहुंचे हैं पहुंचे तो सारे फंक्शन में एनिवर्सरी में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं गए हैं गए हो लेकिन फंक्शन एनिवर्सरी कब मनाए थे हम लोग एनिवर्सरी कब चल गए अच्छा 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 उल्टा बोले अरे मतलब तुमको थोड़ा ऊपर लेवल का तुमको कोई बात नहीं तुम्हारा बात मुझे ताना नहीं लगता है समझी इसलिए नहीं समझ पाया मुझे अब ये समझ में आ गया कि तू भी ताना देती है अच्छा इंतजार कर रहे हैं कि पूजा और जिया में झगड़ा हो जाए लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा और भगवान ना करे कि कभी उसका दिमाग खराब हो या मेरा दिमाग खराब हो ना वो बैठा हो है ना तुम क्या हो आप क्या है ऑडियंस क्या कर रहे हैं अच्छा ऐसा दिन आएगा पूजा ने खींचा जिया का बाल पूजा और जिया ने किया झूठा झूठी बाप रे अपन बाल बचा के कुछ नहीं पता झगड़ा करेगी तुम मेरे से नहीं यार लेकिन से क्या हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते वाह इसका कार्टून हट गया क्या हट गया वो आपके पास जाना चाह रहा है ठीक है उनको ले लेते हैं इसका
तो सभी लोग जी यहाँ पर इकट्ठा है और सभी लोग जो है बहुत अच्छा अच्छा समय बिता रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। सभी लोग जो इस तरह से एकजुट हुए हैं और हमारे जीजू जी भी आ गए, यूनिवर्सल जीजू है ये हमारे इंटरनेशनल, हमारे बारे में दो सब कुछ कहा जाए। जीजू बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है, जो देंगे हम का बिल्कुल सभी लोगों को मिलाए, मिलने का मौका मिला तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, ऐसे बुलाते रहिए आप मुझे। लेकिन सच बताए, मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं असलियत वाली चीज मैं बता रहा हूँ, नहीं सही वाला बात मैं बता दे रहा हूँ, बताइए। मैं अच्छा बताता हूँ ना, बताइए। देखिए बात ये है, एक बार जब ये आई थी मिलने के लिए, पूरा घर द्वार साफ करके काजू कतली लेके बैठे थे लोग, भाई रुद्र पूजा आ रहे हैं मिलने के लिए, डरे डरे को फोटो नहीं खींचवाए, लेकिन भाई लग रहा था बड़े क्रिएटर है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है, एटीट्यूड जरा सा भी नहीं, एटीट्यूड इनमें जरा सा भी नहीं है, और मतलब हमको नहीं पता था कि सही एटीट्यूड नहीं है, नहीं ही है और मतलब बहुत अच्छा लगा, और फोटो डरे डरे को बोले कि भैया तनी वो सेल्फी खिंचवा ली, आपको दिखाएंगे कि हम भाई रुद्र पूजा से मिले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आज सपना साकार हो गया। शाश्वत भाई का तो मैं क्या बोलूं, मुझे अच्छा लगता है, बेटी पहले पहले पकड़ दे, क्या बात है रात वाला, हमको भी ध्यान नहीं, रात वाला कौन सा बात बोला, वही वही वाला बात, सोरे वाला बात बोलिए। हाँ भाई रात में मैं बता रहा हूँ क्या था, एक जब भी आप किसी काम को करते हैं तो कोई भी अगर बड़ा क्रिएटर हो तो आपका आइडियल होता है, हम सबके लिए भाई सचिन भाई तो है ही, उसके बाद हमको लगता है कि भाई जिया शाश्वत नेम है, मानना पड़ेगा, हमको लगता है कि अब भाई नेम पे हम जहाँ जाते हैं आपका ब्लॉग देखते हैं, सचिन भाई का ब्लॉग, जिया शाश्वत का भी ब्लॉग देखते हैं, भाई ये यही पर आएगा, रुद्र पूजा जानते हैं, हम भी किसी से मिलते ना, किसी भी सब्सक्राइबर से तीन नाम जरूर आता है, अच्छा ये इनका और ये सचिन भाई का, दोनों का नाम जरूर है, एक बार मेरा भी नाम ले लीजिए, 1,00,000 पूर गया सीवर के बटन, और आपको जो है बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, और सुनिए पहले पूरी बात, हां पूरी पूरी बात, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं नहीं सब्सक्राइब नहीं, आप लोग प्यार दीजिए, सब्सक्राइब मत करिए, खाली देखिएगा, अब इतने बड़े क्रिएटर है, पहली बार मिले हम लोग और मिले तो इनके साथ सोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अरे बाप, ये दोनों एक बेड पे सो गई, हम दोनों चले गए रात के 1 बजे बातचीत करते गैंग के साथ सोने, भैया जैसे ही कंबल में घुस रहे देख रहे तो ये चला रहे थे हेलीकॉप्टर, और हम सच बताए तो जितना हमको इरिटेशन है मेरी बीबी को बहुत ज्यादा इरिटेशन है, ये हेलीकॉप्टर चलाते इधर, हमारा हेलीकॉप्टर ये देख लिया भाई, हेलीकॉप्टर कल चला रहे थे, पूजा भाग के बाहर चली गई थी उधर से, तुमको पता भी है ये भी बहुत ज्यादा हम नहीं मारते हैं, ये सोने के बाद पता चलता है हमारा मारना, जानते हैं उसको भी क्या पता, उसके बाद क्या हुआ, सो नहीं पाए, हम बोले क्या जिया, एक ही को बात बोली, जिया बाबू मेरी सोई थी, तुम 5 साल कैसे निकाल दिए भाई, हेलीकॉप्टर चला रहे, तो कौन कर रही हमसे, एक काम कीजिए आप ना अपनी बीवी के पास आके सो जाइए, हम भी अपने पति के पास चले, हम सोचे ना भाई इतने बड़े क्रिएटर के साथ सोने का मौका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम सो ही जाते हैं एक ही कमल में दोनों भाई, हम बोले कि आप नहीं सो पाओगे, आप आ जाइए इनके पास, हम उधर चल जाते, तो बोलते नहीं 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 सो सौभाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं सोने, तो खराटा को झेल लिए, कभी ऐसा होता है ना भैया कि अगर हम लेट से सोते हैं, वैसे तो हम बेड पे जाते हैं, लेकिन एक बात बताएं, अब यहाँ तो हो रहा है कि भाई लड़कों लोग खराटा, कभी लड़कियों लोग भी खराटा लेती होगी, हम आज तक किसी लड़की को, लेकिन मेरी माँ है भाई, 5 मिनट मेरी माँ 5 मिनट में सोती है, मौका कभी मौका मिले यहाँ तो प्रूफ भी हम कर देंगे, किसी किसी का वीडियो बनाएंगे, समझ रहे इशारा कहाँ है, जिया पर जा रहा है बात, तो ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये गप सप जो है खत्म नहीं होने वाला है, ये चलते ही रहेगा, कैमरा के पीछे क्या क्या बहुत बात होता है, इन
इनके ब्लॉग में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहाइंड बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन हम बनाएंगे। अच्छा आप बनाइएगा, ठीक है, छोटी छोटी चुपके चुपके बनाएंगे। ऐसे तो लोग बात नहीं करेंगे ना, जब ये लोग बात करते रहेंगे पीछे बिग बॉस बनाने वाली है। बिग बॉस एक बात भी नहीं छुपे, अगर बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड किया जाए और जिसको व्यू चाहिए कम से कम 10 मिलियन व्यू जाएगा। बिल्कुल, इस बात पे तो आउट बनाएंगे पक्का। बहुत बढ़िया, हमें स्टार्ट कर देंगे। बोलते हैं जी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ये सब चलता रहेगा।